अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सातवीं सहरी है, ठीक है। और सातवीं सहरी की मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करी, यहाँ पे जो है हलवा फ्री है। और ये उस्मान आज यहाँ पे क्या करोगे उस्मान? आप सहरी करोगे? अच्छा पहले बोल दो, लाइक शेयर कमेंट, शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो, सलाम कर दो, अस्सलाम वालेकुम। चलो जी फटाफट इसको कैसे है ये, इसके अंदर पहले चने खुलेंगे। चने छोरे, एक सेकंड छोरो, पहले आवा पुई खुलेगी, आवा पुई नहीं खुलेगी, पहले चने खुलेंगे। ये पहले हम चने खुले जी। तो अब चने वगैरह सब लाओ उस्मान, इधर दो छोले डालो इसके अंदर, हड़ो परो बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला परो। चलो चलो आ जाओ, चलो शुरू करो। चले जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हम कर चुके हैं और बस अब नमाज का टाइम है, रोजा बांधेंगे और नमाज पढ़ेंगे और फिर सोएंगे, फिर कल इफ्तार की रूटीन आप लोगों के साथ। 2000 years later. चले जी, तो अब सातवीं अफ्तारी है, ठीक है। और अभी मैं ऐसे की नमाज पढ़ रही, यहाँ पर जो है अस्मा जरा सा काम कर रही है किचन में, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे फ्राइज बनने के लिए, और अभी जरा मैं नमाज पढ़ लूँ फिर मैं अफ्तारी की तैयारी पर लगती हूँ। तो चलिए फटाफट नमाज पढ़ेंगे पहले। चलो जी, और यहाँ पे ये उस्मान आप ही क्या बना रही है? पिज्जा। और ये रहे अब्दुल हादी। चले जी, यहाँ पे चाक के साथ जो है जीता पाकिस्तान का टाइम चल रहा है। अभी बैठे हैं, अस्मा बैठी हैं। चले जी, तो आज की वीडियो में मैं आपको होममेड ब्रेड क्रम्स बनाना सिखा रही हूँ। आपके पास कोई भी लेफ्ट ओवर स्लाइसेस रखी हुई हो, मैं स्लाइसेस का ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ। तो जो लेफ्ट ओवर स्लाइसेस रखी हैं आप उसको इस तरह से तवे पे हल्का हल्का रेड ब्राउन कलर जैसा आप इसको क्रिस्पी कर ले, स्लाइस को आपने क्रिस्पी कर लेना है, ठीक है। अगर फ्रेश स्लाइसेस भी है तो भी आप उसको क्रिस्पी कर ले, अगर नहीं है तो 2-3 days या 1 week पहले भी स्लाइसेस आप उसको फ्रीज कर लिया करें और फिर आप इसके ब्रेड क्रम्स बना लिया करें तो बहुत अच्छा, घर में सस्ता ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाता है, हमारी स्लाइसेस भी वेस्ट नहीं होती। मेरे पास जब भी स्लाइसेस बच जाती है तो मैं इस तरह से उसका ब्रेड क्रम्स बना के घर में रख देती हूँ। रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा नीड होती है ब्रेड क्रम्स की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें मैं बनाती हूँ जो ब्रेड क्रम्स से बनाई जाती है। तो मार्केट से जो हम खरीदते हैं ब्रेड क्रम्स वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये इस तरह से आप अपना घर में ब्रेड क्रम्स को तैयार करें और बहुत अच्छे से इसे बीट कर लेना है, बहुत बारीक बारीक, ताकि ये बीट हो जाए हमारा बीटर में अच्छी तरह से और आपका जो है ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएगा। आप भी पूरा रमज़ान बना के ये रखें
आपकी जो बची हुई स्लाइसिस होती है सहरी में, उससे आप अपनी ये ब्रेड क्रम्स तैयार करके रखिए, दो डब्बे बना लें। चलिए जी, तो आप भी ये ब्रेड क्रम्स बनाए तैयार करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। और जी, तो यहाँ पर जो है ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए हैं मैंने। ये इस तरह से ब्रेड क्रम्स आपने रेडी करने हैं, ठीक है। जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे, आप ही अपने किस तरह से ब्रेड क्रम्स रेडी किया, तो पहले तो जो आपके पुराने स्लाइस होते हैं आप उसको पहले से तवे पे हल्का थोड़ा सा रेड ब्राउन कर लें, ठीक हो गया जी। और फिर आप उसको मशीन में बीट कर, और ये ब्रेड क्रम्स के डब्बे बना के रखते हैं, आपका रमज़ान बहुत सुकून से निकल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, यूं यूं कर दो, बोल दो सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, किसी दे दो यूं, अल्लाह हाफिज।